हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बैक नेक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि यहाँ पे 36 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं तैयार कर रही हूँ। ये बोट नेक पे रहेगा और ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया, इस तरीके से मैंने लेंथ में इसकी कटिंग को पहले ही करके रखा है। और यहाँ से देखिए, हमें तैयार लेंथ 14 इंच चाहिए, तो 1 इंच मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन का प्लस करके लिया है। तो आपको जितना भी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। और यहाँ से हम बोट नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे 7 इंच, और आर्मोल्स भी हमें 7 इंच पे ही रखना है 36 साइज के अकॉर्डिंग। और यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, दोनों ही लाइन को अच्छे तरीके से मैंने मिला लिया है। और यहाँ से हम आर्मोल्स की गोलाई लगा लेंगे। तो टोटल मैंने 1 इंच पे यहाँ पे गोलाई रखी है। अब हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 36 साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम इसका फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच। 2 इंच मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन को रखा है, आप चाहे तो ये 1.5 इंच भी सिलाई मार्जिन को रख सकते हैं। यहाँ से हमें कमर लेना है, तो कमर है यहाँ पे 32 साइज़, तो इसका भी हमें फोर्थ पार्ट लेना है 8 इंच। 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन को लिया है, 1 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे जो कि बैक साइड में प्लेट्स लगाएंगे, ये उसके लिए रहेगा। और अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर से इसकी वृत्त रखी है 4 इंच, और लेंथ भी मैंने यहाँ पर 4 इंच भी रखा है। और यहाँ से अब हम देखिए इस तरीके से गले का शेप दे देंगे। राउंड शेप मैंने यहाँ पर लगा लिया है। नीचे से देखिए, हमें लेंथ यहाँ पे 11 इंच है, तो जितना भी आपका टोटल लेंथ है उसका आप हाफ कर लें। यहाँ से अच्छे से हम हाफ, यहाँ 5.5 इंच पे हमारा हाफ आ रहा है, हम मार्किंग कर लेंगे। और नीचे तक हम इस लाइन को मिला लेंगे, और बीच से आप एक सेंटर से भी यहाँ लाइन को मार्क कर लें। और इस डिज़ाइन को आपको देखिए इस तरीके से बना लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डॉट डॉट करते हुए मार्किंग किया है, और अब हम यहाँ पर फाइनल यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से हमारी मार्किंग हो चुकी है। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेक की कटिंग कर लेनी है, कुछ इस तरीके से आप कट कर लें। ऊपर से भी हमें छोटा नेक को कट कर लेना है। तो ये देखिएगा, ये मैंने कट कर लिया है, और अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें टोटल अस्तर पर कटिंग को कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर इसे हम मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक में हम हाफ से 1 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़े रखें और इस तरीके से कट कर लें। और यहाँ से हमें हाफ इंच पे शोल्डर को डाउन कर लिया है कट करके अच्छे तरीके से। यहाँ पे बोट नेक में हमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना होता है। इसकी कटिंग कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कट करना है। तो यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है, और इस तरीके से हमें देखिए फोल्ड करके मैंने लिया है। और जस्ट हमें उसी तरीके से यहाँ पे मार्किंग करना है। 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, और नेक की लेंथ मैंने यहाँ पे 4 इंच पे रखी है, और नेक की ब्रिथ भी मैंने 4 इंच पे रखी है। और इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पर हम गोलाई शेप दे देंगे। तो छोटा नेक मैंने बना लिया है, और अब हम यहाँ से 4 इंच को ही बढ़ाकर इस तरीके से नीचे तक हम मार्किंग करेंगे। नीचे से हमारा लेंथ 11 इंच है, और इस तरीके से हम इसका सेंटर पॉइंट 5.5 इंच पे लगाएंगे। और अब हम इस डिज़ाइन को इस तरीके से पैटर्न को तैयार कर लेंगे। यहाँ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। देखिएगा, इस तरीके से 1.5 इंच पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। और अब हम यहाँ से देखिए लाइन को अच्छे तरीके से मिलाते हुए निशान को लगा लेंगे। और अब आपको यहाँ पर देखिए पिन से इसको अटैच करना है। अच्छे से हम फिक्स करके इसे अटैच कर लेंगे, ताकि इसकी कटिंग हमारी बहुत ही परफेक्ट आए। और अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये देखिएगा, तो सबसे पहले बाहर वाले लाइन से आप इसको कट करें, और अच्छे से फिनिशिंग के साथ कटिंग करें, और इसके बाद आप अंदर वाले भी लाइन से इसको कट कर लें। अब यहाँ से हमें छोटा नेक के साइड से भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम यहाँ से देखिए इसको अस्तर के साथ मेन फैब्रिक मैंने पहले रखा है, उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर से कट करके इसे खोल लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद आप सेट कर लें। तो इस तरीके से हम पिन से इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बैक ओपन करके रखी हूँ, और आप चाहे तो इसे अटैच भी रख सकते हैं इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए। फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेना है। तो इसके सेंटर से हम इसको कपड़े को कट कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ भी, और यहाँ से आपको इस तरीके से देखिएगा सेट करके अटैच करना है। तो अटैच करने से पहले हम यहाँ पे डोरी को लगाएंगे। देखिएगा,
तो ये हमारी डोरी इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी, इसलिए हम पहले इसे मेन फैब्रिक के साथ ही नीचे हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से पहले मैंने डोरी को सेट कर लिया है और अब हम सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई देते हुए हम यहाँ से पेपर पेस्टिंग के साथ मेन फैब्रिक और अस्तर तीनों को ही अटैच कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने डोरी को कॉर्नर से लगा लिया है। डोरी को हम अच्छे तरीके से लेंथ में रखेंगे और इसके बाद ही हम सिलाई से इसे अटैच करेंगे। और यहाँ से हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि डोरी हमारी अच्छे से फिक्स हो जाए, दोबारा से बाहर ना निकले। तो ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने इसे अटैच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लग रहा है उसमें कट कर लें, नीचे से भी हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है और अब हम इसमें छोटा छोटा कट्स भी बना लेंगे। तो ये देखिएगा, ये मैंने छोटा छोटा कट्स लगा लिया है ताकि इसे हम जब अंदर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये देखिएगा बहुत ही परफेक्ट हमारी फिनिशिंग आएगी। और ये हमारा कोना भी इस तरीके से आप निकाल लें, धागे को अच्छे से खींचते हुए आप कोन को निकाल लें और यहाँ से आपको इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई देनी है। तो मैं यहाँ पे एक दो सूत की दूरी रखते हुए यहाँ पे सिलाई से इसे हम अटैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे और पलट कर आप इस तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लें। तो इसके चारों ही साइड आपको सिलाई से इसे कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम यहाँ पे देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अस्तर के साथ इसकी कटिंग को मिला लिया है और अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी मैंने तैयार कर लिया है। और यहाँ से हमें डिज़ाइन को तैयार किया है। तो डिज़ाइन को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कलर की फैब्रिक को यूज़ किया, येलो कलर की है ये फैब्रिक। और ये मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच पर रखी है, लेंथ मैंने यहाँ पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लिया है। और इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके इसे अच्छे तरीके से अटैच कर लिया है। यहाँ से हमें फ्रिल को बनाना है। तो देखिएगा, इस तरीके से छोटे छोटे हमें प्लेट्स बनाना है और इस फ्रिल को बना लेंगे। तो फ्रिल हमारी ज़्यादा हैवी यहाँ नहीं रहेगी, बिल्कुल छोटी छोटी हमें थोड़ी सी दूरी दूरी पे ही रखते हुए फ्रिल को तैयार कर लेना है। अच्छे से मैंने फ्रिल को बना लिया है और अब हमें देखिए इस तरीके से अटैच करना है इसे। तो नीचे से आपको यहाँ पर फिनिशिंग देते हुए फोल्ड कर लें आप अच्छे तरीके से, ये फिनिशिंग दे दें। और यहाँ से आपको इस तरीके से देखिए बिल्कुल कॉर्नर से रखते हुए सिलाई से इसे अटैच कर लेना है। पूरी ही नेक के अकॉर्डिंग हम इस फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से कोन पर भी आप रखते हुए सही तरीके से आपको यहाँ पे फोल्ड लगाना है। उसके बाद आप सिलाई से इसको घुमाते हुए पूरी नेक पर सेट कर लें और ये कंप्लीट हो चुका है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको ऊपर से दिख रहा है उसे कट कर लें। और इस तरीके से मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है और अब हम यहाँ लेस से इसे कवर करेंगे। तो मेन फैब्रिक से हमें मिलता हुआ यहाँ पे कलर को लिया है, इस तरीके से हम लेस को अटैच करेंगे। तो ये देखिएगा, पूरी ही नेक पर हमें इसी तरीके से लेस को अटैच कर लेना है और यहाँ से आपको डबल सिलाई से भी अटैच कर लेना है। और देखिएगा, इस तरीके से आपको नीचे से इस कट कर लेना है जो भी एक्स्ट्रा लेस है और यहाँ नीचे से आपको अंदर की ओर इसे फोल्ड कर लेना है। अच्छे से हम फोल्ड करके हम डबल सिलाई से इसे कम्प्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने सेट करके सिलाई लगा लिया है और अब हम यहाँ से देखिए इसमें लटकन बनाएंगे। तो डोरी में हमें इस तरीके से लटकन तैयार करना है। तो यहाँ से मैंने मेन फैब्रिक का कपड़ा लिया है, बिल्कुल स्क्वायर में हम लेंगे और इसकी चौड़ाई आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही रखें, जितना भी आप रखना पसंद करते हैं 3-3.5 इंच पर आप इसकी स्क्वायर में कटिंग रखें। और यहाँ से हम इसमें लटकन बना लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने ट्रायंगल शेप देते हुए यहाँ से इसे अटैच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कट करके हम इसे बिल्कुल पलट लेंगे। जस्ट उसी तरीके से हमने दूसरे भी पीसेस को अटैच किया है। तो
तो ये देखिएगा इस तरीके से मैंने दूसरे पीसेस को भी अटैच कर लिया, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें भी हम कट कर लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। तो ये देखिएगा पलट कर इसे मैंने सीधा कर लिया है, और अब हम इसमें तीसरा पीसेस को भी अटैच कर लेंगे। तो टोटल मैंने दोनों लटकन को तैयार कर लिया है, तीन तीन पीसेस को मैंने अटैच किया है, बहुत ही प्यारा सा ये लटकन बना लिया मैंने। और अब हम बैक साइड में प्लेट्स भी तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 1 इंच का प्लेट्स तैयार कर लिया है, और यहाँ से अब हम देखिए बैक साइड में प्लेट्स बना लेने के बाद इसमें हमें दूसरे पीसेस को भी रेडी जो किया है इस तरीके से हम धागे को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।